हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। मैं अभिषेक कुमार आपको गणित पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हम लोग संबंध एवं फलन पढ़ रहे थे। आज की वीडियो में हम लोग संबंध और फलन की प्रश्नावली 2.3 को हल करेंगे। देखिए, प्रश्नावली 2.3 की पहली सवाल में उन्होंने कहा है कि निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन हैं और कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर भी निर्धारित कीजिए। पिछली वीडियो में हमने आपको संबंध, फलन एवं उनके प्रांत, परिसर और सहप्रांत निकालने के तरीके को बताया था। आज हम इस प्रश्नावली को हल कर रहे हैं। प्रश्नावली में पहली सवाल है समुच्चय 2, 1, 5, 1, 8, 1, 11, 1, 14, 1, 17, 1। देखे यहाँ क्या लिखे गए हैं, आप देख पा रहे होंगे, ये सब ऑर्डर्ड पेयर हैं। क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर में समुच्चय का जो ऑर्डर्ड पेयर होता है उसका पहला अवयव पहले समुच्चय से और दूसरा समुच्चय दूसरे अवयव से दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय से होता है। अगर हम लोग इसमें से समुच्चय को छाट कर लिखे तो मान लीजिए, माना a बराबर जो समुच्चय है वो 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है और कौन है 17, और b बराबर क्या है हमारे पास 1 है। हमने क्रमित युग्म में से पहले अवयवों को समुच्चय a में और दूसरे अवयव को समुच्चय b में लिख लिया। अब देखिए, सबसे पहली बात तो हमें बताना है कि ये फलन है कि नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं प्रतिचित्रण से, ये हो गया हमारा समुच्चय a और ये हो गया समुच्चय क्या हमारा b। यहाँ हमारे पास कौन कौन है? 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है और कौन है 17 है। और कौन है? 17। और यहाँ हमारे पास b में कौन है? 1। 2 किससे संबंधित है? 1 से 5, 1 से 8, वो भी 1 से 11, 1 से 14, 1 से 17, 1 से। आप देख पा रहे हैं a का प्रत्येक अवयव b के एक अवयव से संबंधित है, इसलिए यह फलन है। क्या लिखेंगे? फलन है। ठीक है, अगर फलन है उन्होंने कहा है तो हमें परिसर एवं प्रांत बताइए। क्या बताइए? परिसर एवं प्रांत। तो प्रांत की बात करें तो प्रांत आप जानते हैं, समुच्चय ए का पहला समुच्चय ए के अवयव प्रांत कहलाते हैं। यहाँ देखिए, 2, 5, 8, 11, 14 और 17 हमारे क्या कहलाएंगे? प्रांत कहलाएंगे। 2, 5, 8, 11, 14 और 17 ये हमारे क्या हैं? प्रांत। परिसर की बात करें, किसकी बात करें? परिसर की बात करें तो जो हमारा परिसर है वो कौन है? एक है। ठीक है, ये रहा पहले क्वेश्चन का हल। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या पहले के दूसरे की ओर। देखिए, उन्होंने कुछ ऑर्डर्ड पेयर लिखे हैं। पहला ऑर्डर्ड पेयर है 2, 1, अगला ऑर्डर्ड पेयर है 4, 2, 4, 2, आगे है 6, 3, फिर है 8, 4, फिर है 10, 5, फिर है 12, 6, फिर है 14 और 7। क्या कीजिए? कह रहे हैं सबसे पहली बात तो यह बताइए कि यह फलन है कि नहीं है, और यदि फलन है तो प्रांत और परिसर निर्धारित कीजिए। हम लोग सबसे पहले तो देख लेते हैं इसमें हमारे पास क्या समुच्चय ए और बी बनते हैं कि नहीं बनते, और बनने के बाद उसका क्या करेंगे? प्रतिचित्रण बना देंगे। हमें क्या हो जाएगा? स्पष्ट हो जाएगा कि फलन है कि नहीं। सबसे पहली बात तो मान लेते हैं, माना ए बराबर, यहाँ हमारे पास क्या है? 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, यहाँ 12 है, यहाँ 14 है। तो पहले अवयव क्रमित युग्म के पहले अवयव क्या कहलाएंगे? पहले समुच्चय के अवयव 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। ठीक है, दूसरी बात किसकी करें? बी की करें। बी में कौन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। चलिए हम लोग इसका क्या बना लेते हैं? मैपिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मैपिंग। ये देखिए, जो हम लोग यहाँ बना रहे हैं आपके साथ चित्र बना रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं? मैपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैपिंग। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। आगे देखिए, यहाँ क्या होना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। देखिए, 2 का संबंध किससे है? 1 से है। देखिए, 2 का ऑर्डर पेयर किससे है? 1 से है।
चार किससे हैं? दो से, छः, तीन से, आठ, चार से, दस, पाँच से, छः, दो से और चौदह किससे है? सात से। यहाँ आप देख पा रहे होंगे समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B से संबंधित है, इसलिए यह फलन है। इसलिए यह क्या है? हमारा फलन है। अगर फलन है तो हम प्रांत बता रहे हैं और क्या बता रहे हैं? परिसर भी बता रहे हैं। प्रांत क्या हो जाएगा? समुच्चय A और परिसर हमारा क्या हो जाएगा? समुच्चय B। क्यों? क्योंकि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B के प्रत्येक अवयव से क्या है? संबंधित है। ठीक है, देखिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या तीन की ओर। प्रश्न संख्या पहले में तीसरी है, समुच्चय क्रमित युग्म एक तीन, समुच्चय क्रमित युग्म एक तीन, एक पांच, दो पांच, दो पांच। कह रहे हैं कि बताइए फलन है कि नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं, मान लेते हैं पहला समुच्चय A है और उसमें कौन है? एक है और कौन है? दो है। और दूसरा समुच्चय क्या मान लेते हैं? B है जिसमें कौन कौन है? तीन है और कौन है? पांच है। ठीक है, चलिए आइए मैपिंग कर लेते हैं। ये रहा हमारा मैपिंग A और दूसरा हम लोग क्या बना लेते हैं यहाँ पर? B। A में कौन कौन है? एक है और दो है, और B में कौन है? तीन और पांच। एक का संबंध किससे है? तीन से है। ठीक है, फिर एक का संबंध किससे है? पांच से है। ठीक है, आगे उन्होंने कहा दो का संबंध किससे है? पांच से है। ठीक है, ये देखिए ध्यान से, क्या ये संबंध है? नहीं, ये संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि समुच्चय A का एक अवयव समुच्चय B के दो अवयवों से क्या हो गया? संबंधित हो गया। जब समुच्चय A का कोई भी अवयव समुच्चय B के दो अवयव से संबंधित हो जाए या दो से अधिक अवयव से संबंधित हो जाए तो वो संबंध फलन नहीं कहलाता। हमने लिखा था फलन की परिभाषा में कि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव B के अद्वितीय अवयव से संबंधित होना चाहिए था। ठीक है, इसलिए यहां क्या लिखेंगे? फलन नहीं है। क्या है? फलन नहीं है। अब फलन नहीं है तो हम लोग इसका प्रांत बता सकते हैं और परिसर नहीं। ठीक है, तो यहां क्या हो गया? हमारा फलन नहीं है। प्रश्न संख्या दो है, निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत एवं परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न संख्या दो, प्रश्न संख्या दो में पहली सवाल है एफ एक्स बराबर माइनस मॉड ऑफ एक्स, माइनस मॉड ऑफ एक्स। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में क्या ज्ञात करिए? आप प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। यह वास्तविक फलन है। कैसा है? वास्तविक फलन है। हमने आपको फलनों के प्रकार में मॉड ऑफ एक्स के बारे में पढ़ाया। मॉड ऑफ एक्स को कैसे परिभाषित करते हैं? इसे लिखेंगे एफ एक्स बराबर माइनस मझले ब्रैकेट में माइनस एक्स, कब? तब जब x क्या होगा? छोटा होगा जीरो से तब, और प्लस x कब? जब x क्या होगा? बड़ा होगा और बराबर होगा जीरो के तब। ठीक है, हम लोग फलन एफ एक्स को y कहते हैं। क्या कहते हैं? फलन एफ एक्स को क्या कहते हैं? y। और y जो है वो इस प्रकार परिभाषित है कि माइनस x, x इज लेस देन जीरो के लिए, x, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के लिए। ध्यान से देखिए, हमें क्या क्या ज्ञात करना है? प्रांत ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है? परिसर। क्या ज्ञात करना है? परिसर। ध्यान सुनिए, अगर प्रांत का मतलब मैंने आपको बताया था फलन में कि प्रांत का मतलब होता है x एक्सिस, क्या होता है? x एक्सिस पर फैलाओ, और परिसर का मतलब होता है y एक्सिस पर फैलाओ। तो देखिए, हम लोग x की वैल्यू अगर इनपुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? y की वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी। तो अगर आप देखें तो हमारा जो प्रांत हो जाएगा वो कहां से हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, यहाँ वैल्यू डालेंगे हम लोग तो हमें जो यहाँ आंसर मिलेगा वो भी कहाँ से कहाँ तक मिलेगा? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। अर्थात हम लोग कह सकते हैं इसका जो प्रांत और परिसर है वो दोनों ही क्या है? R है। ठीक है, रियल नंबर संख्या रेखा पर जितनी भी आप संख्याएं प्रदर्शित कर सकते हैं सभी को अगर आप यहाँ रखेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, प्रांत भी हमारा आर है और परिसर भी हमारा क्या है? आर है। दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरे सवाल हमारे पास है एफ एक्स बराबर रूट अंडर नाइन माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर नाइन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये सवाल जो है उसे लगाने के लिए आपको कुछ तरीके सीखने हैं। कैसे? आपको प्रांत और परिसर निकालने के लिए यहाँ हम पॉइंट्स लिख रहे हैं। पहला पॉइंट, यदि फलन एफ एक्स बराबर रूट अंडर एक्स के रूप का हो या तो फलन क्या होगा? दूसरा पॉइंट, किस रूप का होगा फलन एफ एक्स बराबर?
वन अपान कैसे होगा, यक्स के रूप का होगा। या तो तीसरी बात क्या कि जो फलन हमारा होगा एफ एक्स वो वन अपान रूट अंडर यक्स के रूप का होगा, ठीक है। तो जब ये तीन प्रकार के आपको कुल मिला जुला करके आपको प्रांत और परिसर ज्ञात करने के लिए चाहे जितनी सवालें मिल जाएं, लेकिन वो जो सवालें मिलेंगी वो इन्हीं तीन फॉर्मेट में मिलेगी, ठीक है, इन्हीं तीन फॉर्मेटों में मिलेगी। अब इन तीन फॉर्मेटों में जब मिलेगी सवाल आपको तो उन्हें लगाना कैसे है उसके लिए तरीका है। यदि ये आपका फॉर्मेट है तो आप समझिए यक्स की जो वैल्यू होगी और यक्स की जो वैल्यू होगी वो हमेशा बड़ी होगी और बराबर होगी किससे, जीरो के, ठीक है ना। यक्स की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, हमेशा बड़ी होगी और बराबर होगी किसके, जीरो के, ठीक है। दूसरी फॉर्मेट हमारी क्या है, वन अपान एफ एक्स के रूप की, तो यहाँ जो हो जाएगा वो यक्स होगा वो हमेशा बड़ा होगा किससे, जीरो से, ठीक है। तीसरी जो हमारी फॉर्मेट है वो है रूट अंडर एक्स की, तो यहाँ जो एक्स रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा और क्या रहेगा, बराबर रहेगा किसके, जीरो के, ठीक है। ये तीसरी फॉर्मेट है, ठीक है। तो देखिए पहली फॉर्मेट में हमें यक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। दूसरी फॉर्मेट में यक्स इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जीरो। तो जो सवाल आपको दी गई है वो एफ एक्स बराबर रूट अंडर नाइन माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्मेट है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये जो फॉर्मेट है वो पहली वाली फॉर्मेट है, तो पहली वाली फॉर्मेट है तो आप क्या करेंगे, पकड़ेंगे रूट अंडर नाइन माइनस एक्स स्क्वायर को, कहेंगे भैया आप क्या हो जाओ, बड़े हो जाओ जीरो से, ठीक है। आप कभी जीरो से छोटे मत होना, क्योंकि रूट में कोई भी वैल्यू जो होती है वो हमेशा ही बड़ी होती है जीरो से, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नाइन माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ क्या है, एक्स हमारा ऋणात्मक है इसलिए इसे पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस साइन से क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। जब माइनस साइन से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस नौ, और तुरंत साइन ऑफ इक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, जो यहाँ चिन्ह है वो क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा माइनस से गुणा करने पर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस तीन का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू कितना, जीरो। यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स माइनस तीन एक ब्रैकेट में अगले ब्रैकेट में एक्स प्लस तीन इज लेस देन इक्वल टू क्या, जीरो, ठीक है। यदि हम लोग देखें एक्स माइनस तीन इज लेस देन इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब एक्स माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू कितना है, तीन। दूसरी बात, यदि एक्स प्लस तीन इज लेस देन इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब है एक्स माइनस तीन से क्या है, छोटा। आप क्या करें, तुरंत संख्या रेखा बनाएं, ठीक है। ये रही आपकी क्या, संख्या रेखा। संख्या रेखा पर ये कौन है, जीरो है। इधर की ओर बढ़ेंगे तो माइनस तीन है, और इधर की ओर बढ़ेंगे तो कौन है, तीन है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, हमने आपको समुच्चय नामक चैप्टर में अंतराल के बारे में पढ़ाया था, समुच्चयों में अंतराल। अंतराल का पॉइंट है कि यदि यहाँ बराबर का साइन लगा होता है तो मैंने आपसे कहा था कि वहाँ ब्लैक बॉल लगेगी। कौन सी बॉल, डार्क बॉल, ठीक है, ब्लैक बॉल या डार्क बॉल। तो इसका मतलब है यहाँ भी डार्क बॉल लगेगी और यहाँ भी कौन सी बॉल लगेगी, डार्क बॉल। और इसका मतलब होता है इंक्लूडेड, क्या होता है, इंक्लूडेड, ठीक है ना। आप चाहें तो आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या हमने आपसे कहा, प्रांत लिखिए, क्या लिखिए, प्रांत। तो प्रांत आप लिख सकते हैं, यक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, बड़ी है और बराबर है माइनस तीन से, छोटी है और बराबर है कितने से, तीन से। ये भी आपका आंसर हो सकता है। और अगली बात, अगर इसी प्रांत को आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, यक्स इज एलिमेंट ऑफ माइनस तीन से तीन, ठीक है, क्लोज इंटरवल। ये रहा आपका क्या, प्रांत, क्या रहा है, प्रांत रहा है, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, प्रांत हो गया। और परिसर की बात करें, किसकी बात करें, परिसर की बात करें, तो परिसर हमारी हो जाएगी क्या, सभी रियल नंबर, क्या हो जाएगी, परिसर। आप x की वैल्यू इसके इसके बीच में डालेंगे तो जो हमें आंसर मिलता जाएगा वाई एक्सिस पर, वो सब हमारा क्या रहेगा, परिसर रहेगा। प्रश्न संख्या तीन, प्रश्न संख्या तीन में है कि निम्नलिखित में फलन एफ एक्स बराबर 2x माइनस पांच द्वारा परिभाषित है। एक फलन एफ एक्स बराबर 2x माइनस पांच द्वारा क्या है, परिभाषित है। तो उन्होंने कहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, एफ जीरो, उन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ जीरो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ सेवन और फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ माइनस तीन, ठीक है। देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ते थे वैसे आज हमारे पास क्या है, ये फलन ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स बराबर हमारे पास क्या है, टू एक्स माइनस पाँच, ठीक है। आप इस एक्स को क्या करें, यदि रिप्लेस करें वाई से तो ये क्या हो जाएगा, टू एक्स माइनस पाँच।
यदि इसी वाई को फिर से रिप्लेस करें ए से, ये हो जाएगा 2a माइनस 5। यदि इसी ए को रिप्लेस करें बी से, ये हो जाएगा 2b माइनस कितना 5। समझ पा रहे हैं आपको क्या करना है? आप जैसे जैसे x की वैल्यू बदलते जाओगे वैसे वैसे फंक्शन का जो रूप रहेगा वो भी बदलता जाएगा। तो अगर आप देखें अब जीरो, तो अब जीरो के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 × 0 − 5, अर्थात f0 का मान कितना हो जाएगा −5। ठीक है, आगे देखिए f7 की बात करें तो f7 के लिए हो जाएगा 2 × 7 − 5, अर्थात 7 × 2 = 14 − 5 बराबर कितना हो जाएगा, यहां घटा देंगे तो 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9। इसी प्रकार आगे देखिए f −3, तो f −3 के लिए हो जाएगा 2 × −3 − 5, 2 × 3 कितना −6 − 5, मतलब आंसर कितना हो जाएगा −11। ठीक है, ये रहा आपका क्या तीसरे वाले क्वेश्चन का हल। ठीक है, तीसरे वाले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था, दूसरा ये पूछा गया था, तीसरा ये पूछा गया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 में उन्होंने कहा है फलन टी सेल्सियस तापमान का फॉरेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है जो टीसी बराबर, क्या लिखा है उन्होंने, टीसी बराबर 9c/5 + 32 से क्या है परिभाषित है, तो निम्नलिखित को क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। पहला है उन्होंने कहा है ज्ञात कीजिए टी जीरो क्या होगा, दूसरे सवाल में उन्होंने पूछा है टी 28 क्या होगा, और तीसरे सवाल में उन्होंने पूछा है टी −10 कितना होगा, और चौथे सवाल में उन्होंने पूछा है सी का मान जब टी सी बराबर 200 क्या हो 12 हो। ठीक है, देखिए ध्यान से, हमें यहां कुल मिला के कितनी सवाल है, 4 सवाले लगानी है। ठीक है, और फलन क्या है हमारा इस प्रकार परिभाषित है, देखिए अभी अभी हमने जो सवाल लगाई है सेम सवाल है, उसी प्रकार से टी जीरो ज्ञात करना है, टी जीरो का मतलब हमारे पास क्या है टी सी बराबर 9c/5 + कितना है 32, इसका मतलब टी क्या है हमारे पास जीरो रखना है। जैसे ही आप यहाँ जीरो रखोगे तो सी की जगह फिर से क्या हो जाएगा 0 + कितना हो जाएगा 32, और एफ जीरो का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 32। ये रहा आपके पहले क्वेश्चन का हल। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है सी की जगह क्या चिपका देना है जीरो चिपका देना है, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आंसर आपका क्या हो जाएगा फलन का मान। इसी प्रकार आपको क्या करना है टी 18 ज्ञात करने 28 ज्ञात कर लेना है, और इसी प्रकार से टी −10 भी ज्ञात कर लेना है। हम यहाँ टी सी बराबर 212 ये चौथी सवाल लगा देते हैं। ठीक है, देखिए टी सी बराबर हमारे पास क्या है 212, मतलब हमारे पास आंसर है कि टी सी जो फलन है वो टी सी बराबर है टी सी बराबर 9c/5 + कितना है 32, 32। ठीक है, आप क्या करें टी सी पूरे का मान उन्होंने कहा है 212 है, 212 बराबर 9c/5 + कितना 32। हम 32 को क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा 212 − 32 बराबर कितना 9c / कितना 5, इसमें 2 में से 2 गया तो 0, यहाँ हो जाएगा 11 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 9, यहाँ बचे कितना 290 गुणे कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना हो जाएगा 9c। ठीक है, 5 से गुणा करेंगे तो 5 का 0 में 0, 5 का 9 में करेंगे तो 5 × 9 = 45 हासिल 4, 5 × 2 = 10 और 4 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 9c। अब क्या करेंगे 1450/9 बराबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, तो सी बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 9 से काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 9 × 9 = 9, 5 बचेगा, यहाँ हो जाएगा कितना सी बराबर 9 × 9 = 9, 5 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 55, 9 × 6 = 54, फिर 1 बचेगा 9 × 9 = 9, 1 बचेगा 161 सही 1/9। ठीक है, ये हो जाएगा आपके किसका मान सी का मान। बाकी दो क्वेश्चन है, दूसरा नंबर टी 28 और टी −10 आप क्या कर लीजिएगा ज्ञात कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 5 देखिए, प्रश्न संख्या 5 में है निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात कीजिए, हमें क्या ज्ञात करना है परिसर ज्ञात करना है। उन्होंने कहा है कि एफ एक्स बराबर, उन्होंने कहा है कि एफ एक्स बराबर 2 − 3x x इज एलिमेंट ऑफ r, और x जो है वो बड़ा है किससे 0 से, तब बताइए इसका परिसर क्या होगा, क्या क्या पूछा गया है
परिसर। परिसर का मतलब होता है रेंज, और रेंज का मतलब होता है वाई एच पर फैलाव। किस पर फैलाव? वाई एच पर, ठीक है। मतलब उन्होंने कहा है कि एफ एक्स बराबर हमारे पास 2x माइनस कितना है, 3 है। एफ एक्स का ही मतलब क्या होता है? वाई होता है। वाई बराबर कितना? 2 माइनस 3x, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है? वाई का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? वाई का। ध्यान से देखिए, उन्होंने एक्स के बारे में बताया है कि एक्स क्या है? ऑल रियल नंबर, ठीक है। लेकिन ऑल रियल नंबर में उन्होंने फिर से कहा कि एक्स का मान जो है वो 0 से बड़े के लिए कंसीडर किया जाएगा, ये वाला मान, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आगे कहा कि एक्स जो है वो आर से है, लेकिन एक्स का मान भी क्या है? 0 से बड़ा है, अर्थात 0 के क्या है? दाईं ओर हमें नहीं जाना है। एक्स इज ग्रेटर देन 0, हमें क्या मिलेगा? इधर ही के पार्ट में मिलेगा। आप क्या करें? आप वहां से वैल्यू उठा के यहां रखना शुरू करें, ठीक है। देखिए, अगर आप वैल्यू रखना शुरू करेंगे वाई का, ठीक है, तो आप क्या रखेंगे? 0 रख लिख के देख लीजिए। जैसे ही आप 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0, 2 माइनस 3 गुणे क्या? 0। तो ये वाई बराबर कितना मिल जाएगा हमें? 2, ठीक है। अब उसके ऊपर आगे चल के रखिए, 2 रख लिया आपने, यहां एक्स बराबर क्या रख लिया? 0। आगे रखें एक्स बराबर 1, तो यहां हो जाएगा वाई बराबर 2 माइनस 3 गुणे 1, अर्थात y बराबर हो जाएगा 2 माइनस 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा? -1। इसी प्रकार से यदि x बराबर हम लोग क्या रखें? 2 रखें, तो y बराबर 2 माइनस 3 गुणे कितना हो जाएगा? 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 3 दूना 6, माइनस कितना? 4। आप देख पा रहे होंगे कि x बराबर 0 से, x बराबर कहाँ से? 0 से जब हम लोग चलना शुरू करते हैं और इधर से पॉजिटिव वैल्यू रखते जाते हैं तो आंसर हमें क्या मिलता जाता है? निगेटिव वैल्यू। क्या मिलता जाता है? निगेटिव वैल्यू मिलते जाता है। इसलिए जो परिसर हो जाएगा, परिसर वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा माइनस की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग ना। इसका मतलब अंतिम में सबसे पहले हमें क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा। कौन मिलेगा? माइनस मिलेगा। और सबसे लास्ट में जो मिलेगा वो कौन मिलेगा? 2 मिलेगा। इसलिए हमें, अच्छा, बराबर का साइन है, इस वजह से हम लोग कौन सा? क्लोज इंटरवल लगा देते हैं, और यहाँ ओपन इंटरवल लगा रहे हैं क्योंकि माइनस इन्फिनिटी तो इंक्लूडेड नहीं है, माइनस इन्फिनिटी से पहले और 2 तक, ठीक है ना। ये रहा आपके सवाल नंबर 5 के पहली सवाल का परिसर, ठीक है। दूसरी सवाल है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। कह रहे हैं एक वास्तविक संख्या है, तब क्या ज्ञात कीजिए? परिसर। क्या ज्ञात कीजिए? परिसर। ध्यान से देखिए, परिसर ज्ञात करने के लिए क्या है? अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो फलन है, फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस क्या है? 2। हमने आपसे कहा कि इसी एफ एक्स को हम लोग क्या कहते हैं? वाई कहते हैं। तो वाई बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, अगर हम लोग क्या करें, एक्स स्क्वायर देख रहे हैं, अगर हम लोग एक्स स्क्वायर को क्या बनाएंगे? कुछ भी वैल्यू रखें, किसमें? एक्स स्क्वायर में। एफ एक्स को ही हम लोग क्या कह रहे हैं? वाई कह रहे हैं, और वाई बराबर हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के बारे में क्या क्या बातें हैं, ध्यान सुनिए। एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो, मतलब एक्स स्क्वायर हमेशा धनात्मक रहेगा, ये कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर आप इसके अंदर -3 भेजोगे तब ये बाहर निकालेगा तो क्या निकालेगा? प्लस। अगर आप इसके अंदर क्या भेजोगे? 3 भेजोगे तब भी ये क्या निकालेगा? प्लस। आप कोई भी नंबर आप इसके अंदर भेजोगे ये हमेशा आंसर क्या देगा? पॉजिटिव देगा। इसीलिए हमने लिखा कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ये हमेशा सत्य है, ये हमेशा सत्य है, ये कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। आगे देखिए ध्यान से, हम क्या कर देते हैं? दोनों पक्षों में 2 जोड़ देते हैं। दोनों पक्षों में क्या जोड़ देते हैं? 2 जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0 प्लस 2, ठीक है। अब देखिए, ये जो बात बनी है वो बात किसकी है? वाई की है। किसकी है? वाई की है। अरे भाई, अगर आप चाहें तो इसे फंक्शन एफ एक्स लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 फंक्शन ही तो है, और ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। कितने से? 2 से। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? वाई इज ग्रेटर देन 2। परिसर, वाई का मान 2 से क्या है? ज्यादा के लिए। अर्थात जो हमारा परिसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? परिसर होगा 2 से लेकर इंफिनिटी तक, ठीक है। ये रहा आपके प्रश्न संख्या 5 के दूसरे का हल। अंतिम सवाल की ओर हम लोग हैं, प्रश्न संख्या 5 की तीसरी सवाल। तीसरे सवाल में है एफ एक्स बराबर एक्स, एफ एक्स बराबर क्या है? एक्स, ठीक है। एफ एक्स बराबर एक्स,
ये जो हमारा फलन है ये आइडेंटिटी फंक्शन है। आपको याद हो तो हमने आपको तत्समक फलन पढ़ाया था, जिसमें आपसे कहा था कि प्रत्येक y के लिए x जो होता है वो तत्समक फलन कहलाता है। अभी अभी हम आपसे कह रहे हैं क्या कि जो फलन fx है, जो फलन fx बराबर x है, इसी fx को तो हम y कह रहे हैं, तो y बराबर हमारे पास क्या हो गया x। और हमने आपको वही बताया था कि इस प्रकार या आइडेंटिटी या तत्समक फलनों के जो परिसर होते हैं या प्रांत होते हैं वो सब ही क्या होते हैं, आर होते हैं। ठीक है, हमने आपको कहा तत्समक फलन में ही बताया था और ये भी बताया था इसे आई ए या आई बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आप x की कोई भी वैल्यू दो आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? देखो इसका अगर हम लोग ग्राफ भी बनाते हैं, इसका ग्राफ ऐसे बन रहा है, ध्यान देखिए। ठीक है, अगर आप x की वैल्यू कुछ भी दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, आपको हमेशा किसकी y की वैल्यू मिलती जाएगी, अर्थात इसका ग्राफ ऐसे बन रहा होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, y बराबर x, y बराबर क्या है, x है। प्रत्येक x के लिए y संभव है, इसलिए इसका जो परिसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। और प्रांत की बात करें तो प्रांत भी क्या होगा, r होगा। इस प्रकार आपकी किताब के NCERT की प्रश्नावली 2.3 भी क्या होती है, हल हो गई। ठीक है, आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।